हेलो एंड वेलकम टू चैनल आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एमएंड एजुकेशन अकाडमी ऑफ लिटरेचर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीसेंट एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय सी यूसी इट वाज कंडक्टेड ऑन 19 सितंबर 2020 वेरी रिसेंटली हम इसके सभी क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे सभी लिटरेचर क्वेश्चन को सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो आइए देखते हैं पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर वन क्या है विच अमंग फॉलोइंग टेक्स्ट इज लीस्ट अबाउट गांधीयन थॉट तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस वर्ड पर आपको ध्यान देना है वो पहले से ही थोड़ा सा हाईलाइटेड है ताकि आप लोग ध्यान दो एज पर मी द करेक्ट आंसर इज द सर्पेंट एंड द रोप बाकी सभी टेक्स्ट अनटचेबल कांठापुरा वेटिंग फॉर दी महात्मा में गांधीयन थॉट्स को दिखाया गया है लेकिन सर्पेंट एंड दी रोप में अकॉर्डिंग टू मी गांधीयन थॉट्स आर लीस्ट Let us have a look at question number 27. Identify the text that describes India's transition from British colonialism to independence, accompanied by the partition of India. The correct answer, I know many of you already know, is Midnight's Children. Midnight's Children 1981 is a novel hai, written by Salman Rushdie, very famous novelist. It deals with India's transition from British colonialism to independence and the partition of India. And it is considered as an example of post colonial, post modern, and magic realist literature, also. And it won the Booker Prize as well. तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जिसमें हमें कुछ मैच करना है तो आइए एक एक ऑप्शन से शुरू करके मैच करते हुए चलते हैं सोनेट्स को मैच करते हैं सबसे पहले शेक्सपियर के साथ शेक्सपियर सोनेट आर पोम्स एट विलियम शेक्सपियर रोड ऑन अ वाइटी ऑफ थीम्स एंड जब भी हम डिस्कस करते हैं जब भी हम बात करते हैं शेक्सपियर के सोनेट की तो हम रेफर करते हैं उन 154 फिफ्टी फोर सोनेट कलेक्शन को जो कि शेक्सपियर ने लिखे थे एंड दीज वर फर्स्ट पब्लिश ऑल टूगेदर इन अ इन सिक्सटीन जीरो नाइन तो सिक्सटीन जीरो नाइन में शेक्सपियर के सोनेट्स पब्लिश हुए थे अब हम बात करेंगे एस्ट्रोफिल इंस्टेला की और इसको हम मैच करेंगे सिडनी के साथ फिलिप सिडनी जिनका पूरा नाम था फिफ्टीन uh, में ये पब्लिश हुए थे प्रोबेबली कम्पोज इन फिफ्टीन एटी फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफिल इंस्टेला एक इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस का पार्ट है जिसमें कि 108 जीरो सोनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स हैं आपको ये क्वेश्चन भी अगर कभी आ जाता है एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा 108 जीरो सोनेट्स एंड इलेवन सॉन्ग्स एंड द नेम एक्चुअली इज डिराइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स एस्टर एंड फिल एस्टोफिल एंड स्टेला ये नाम दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया एस्टर एंड फिल्ड एंड दैटिन वर्ड स्टेला मीन्स स्टार दस एस्टोफिल एज दी स्टार लवर एंड स्टेला जो कि उसकी फीमेल लवर है स्टेला को स्टार की तरह पोर्ट्री किया गया है अब पढ़ेंगे हम एम्यटी की तरफ और एम्यटी को हम मैच करेंगे एडमंड स्पेंसर के साथ एमरेटी एक सोनेट साइकिल है लव सॉन्ग्स का कलेक्शन है जो कि एडमंड स्पेंसर ने सिक्सटीन सेंचुरी में लिखा था एंड इट एज विल डिस्क्राइब्स द कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयल एंड इट वॉज पब्लिश इन फिफ्टीन नाइन्टी फाइव अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ सोनेट्स फ्रॉम दी पोर्टुगीज इसको हम मैच करेंगे ऑफ कोर्स एक ही ऑप्शन बची है एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग इट इज अ कलेक्शन ऑफ फोर्टी फोर लव सोनेट्स जो कि उन्होंने लिखे थे अपने फ्यूचर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं तो इस तरीके से ऑप्शन डी बन जाता है हमारा राइट right आंसर आप सभी ऑप्शन को मैच करके एक बार दोबारा देख लीजिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ वट इज द नेम ऑफ द थिएटर इन विच शेक्सपियर हार अ सिग्निफिकेंट शेयर द करेक्ट आंसर इज द ग्लोब द ग्लोब दिस इज अ थिएटर दैट दॉज बिल्ट इन लंडन एंड वॉज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर इट वॉज बिल्ड इन फिफ्टीन नाइनटी नाइन आप लोग ईयर भी याद रखिए कब बनाया गया था 1599 में बनाया गया था बाय शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी द लॉर्ड शेम्बरचुनेटली इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1613. तो 1613 भी अगर आप ईयर भी याद रख लेते हैं दैट इज मोर देन इनफ ईयर याद रखिए जब इस थिएटर में आग लगी थी सिक्सटीन और फिफ्टीन में ये बनाया गया था ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी इसमें हमें बताना है कि शी इज द मैन दिस मूवी ऑफ हॉलीवुड हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्वेल्थ नाइट ट्वेल्थ नाइट एक ऐसा प्ले था जिसमें वायोला नाम की एक गर्ल ड्रेसअप होती है अपने ब्रदर सिबेस्टियन की तरह एंड शी इज द मैन इज अ 2006 अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इट इज अ स्पोर्ट्स फिल्म एज वेल एंड इट इज कम्पलीटली इंस्पायर्ड बाय विलियम शेक्सपियर्स Play Twelfth Night because this movie may be cross dressing. Hai. Next question Which among the following is the earliest known language spoken in the British Isles? The correct answer, as per me, is option C Celtic. Today, uh, the British Isles contains two sovereign states the Republic of Ireland and UK, United Kingdom. The UK comprises England northern ireland scotland and wales and in the course of first millennium bc first millennium bc i'm talking about and possibly earlier some combination of transcultural Diffusion and immigration from continental Europe resulted in the establishment of Celtic languages in the island. And eventually, uh, it was the language which gave rise to some Celtic groups as well. And the languages were spoken inspired from this language initially, though they are assumed to have been free Indo European, but the language is inspired from Celtic. Next question is about encyclopedia. named the co founder and the chief editor of the well known encyclopedia. The correct answer is option number one Denis Diderot. He was a French philosopher, critic, and writer as well, and best known for serving as co founder and chief editor and contributor to the encyclopedia. He died in 1784. पार्ट ऑफ अ वर्ड इज कम्बाइंड दार्ट ऑफ अनदर वर्ड जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं कि हम ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर एक वर्ड बना लेते हैं ब्रांच इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम ब्लेंडिंग भी कहते हैं लेकिन द ऑफिशियल वर्ड इज पोटमेंटो पॉटमेंटो का मतलब ये है कुछ ऐसे वर्ड्स को ब्लेंड करके बनाना जो किसी प्रीवियस टू वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एसिमिलेट करके बनाया गया है पॉटमेंटो वर्ड इज अ लिंग्विस्टिक ब्लेंड ऑफ वर्ड्स बेसिकली इन विच पार्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स और देयर फनीम्स आर कम्बाइंड इन टू न्यू वर्ड एज लेटेस्ट एक वन मोर एग्जाम्पल जैसे कि स्मोक बोलते हैं एस एम ओ जी दैट इज कॉइन बाय ब्लेंडिंग स्मोक एंड फॉग और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे कि मोटेल वर्ड बना है मोटर प्लस होटेल से मिलकर तो मोटर का ओ एन होटेल का टी ई एल ये मिलाकर हमने बना दिया मोटेल तो दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग एज वेल एस पॉटमेंटो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर नेम द ग्रेट इंग्लिश टू कम डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश इन सेवनटीन फिफ्टी फाइव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन पब्लिश्ड ऑन फिफ्टीन अप्रैल सेवनटीन फिफ्टी फाइव एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बता देती हूँ फिफ्टीन अप्रैल सेवनटीन फिफ्टी फाइव जिसको लिखा था सैमअल जॉनसन ने एक डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज की और इसको काफी बार रेफर किया जाता है जॉनसन्स डिक्शनरी कहकर दिस इज अमंग दी मोस्ट फेमस और आई कैन से मोस्ट इन्फ्लुशियल डिक्शनरीज इन दिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द फीचर्स ऑफ वट मोमेंट ऑफ द फिलोसफी ऑफ लिटरेचर आर शेयर राइटर्स तो यहां पर हमें कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं हमें उनकी एक कॉमन मोमेंट को बताना है जिसमें यह सभी राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रियलिज्म रियलिज्म एक स्पेशल मोमेंट थी जिसको कई बार नेचुर कहकर भी कुछ राइटर्स रेफर करते हैं दिस इज द

ओके लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ मैच करना है तो आइए राइट साइड में दिए गए ऑप्शन के साथ एक एक करके शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए देखते हैं द सेन्सी द सेन्सी अ ट्रेजिडी इन फाइव एक्ट्स 1819 का वर्ड्स ड्रामा है ये वन एट वन नाइन एटीन नाइनटीन का एक वर्ड्स ड्रामा है विच फोर्स इन फाइव एक्ट्स बाई पीबी शैले तो हम मैच कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को पी बी शैले के साथ यहाँ दिए गए ऑप्शन नंबर फोर के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ ऑप्शन नंबर पी रिमोर्स इसी का एक दूसरा नाम है ऑसेरियो ऑसेरियो इट वाज रिटर्न बाय एस टी और, और शुरुआत में इसको 1797 में लिखा गया था लेकिन ये अनपरफॉर्म रहा था और 16 इयर्स बाद इसको एक नया टाइटल दिया गया था दैट इज रिमोर्स नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी पीपा पैसेस पीपा पैसेस को हम मैच करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ पीपा अ वर्स ड्रामा रिटर्न बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड पब्लिश्ड इन 1841 और अब बची है हमारी सिर्फ लास्ट ऑप्शन तो दैट मीन्स की बॉर्डर्स को हम मैच करेंगे वर्ड्सवर्थ के साथ ही so the borderers book by william wordsworth the book series is basically intended to preserve the cultural legacy and to promote the timeless works of classical literature to so, borderers william wordsworth so hence option number a option number a becomes the right answer Next question Who among the following was not an early editor of Shakespeare's play? The correct answer is option number P John Dryden. Shakespeare's uh, editors were very essential in the development of the modern practice of producing printed books and the evolution of textual criticism. Except for John Dryden here, rest have been the editors of his play in the earlier times. Next question, question number 38.

Text. And he once remarked as well I actually think in both Eastern and Christian terms, Greek, Latin, Sanskrit, Pali, and to some extent Persian and Chinese. Next question Who wrote the introduction to the first English translation of the Bhagavad Gita by Charles Wilkins? The correct answer is option number A Warren Hastings. करेक्ट आंसर है सेवनटीन एटी फाइव में गीता का ट्रांसलेशन किया गया था फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग याद रखियेगा इन सेवनटीन एटी फाइव दीता चार्ल एंड पब्लिश एस भागवत गीता और डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट हैड एन इंट्रोडक्शन बाय लॉर्ड वॉर हेस्टिंगस द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया

Next question, question number forty one. Name the compilers of the first folio of Shakespeare's play. The correct answer is option number C Hemings and Condell. The first folio is the first collected edition of William Shakespeare's plays collected and published in sixteen twenty three. ईयर्स को याद रखेगा जिस चीज को भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना है या कोई भी और एग्जाम देना है किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी एंट्रेंस से रिलेटेड तो ईयर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू तो शेक्सपियर की शेक्सपियर जी की डेथ के सेवन ईयर्स बाद ये पब्लिश हुआ था एंड प्रिंटेड इन अ फोलियो फॉर्मेट एंड कंटेनिंग थर्टी सिक्स प्लेस तो टोटल इसके अंदर उनके थर्टी सिक्स प्लेस इंक्लूडेड थी ये फैक्ट भी आपके लिए याद करने लायक है इट फॉर्ज प्रिपेयर्ड बाय शेक्सपियर्स कलीग्स जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल Next question. When was the English East India Company established? The correct answer is 1600, 1600. and to be precise, 31st December 1600, the last day of the year. Next question. Question number 43, which is a frequent question for exams. Ke liye, of man's first disobedience and the fruit of the forbidden tree, whose mortal taste brought death in the world and all or woe, identify the opening lines of the well known text, the correct answer is Paradise Lost without any doubt. Okay, uh, now let us talk something about it. The poem Paradise Lost opens with these lines, and it means that the first disobedience comes about when the devil, in the form of a serpent, tempts Eve to take and eat some fruit from the tree of knowledge, which was completely forbidden by God. Next question, who among the following is believed to have written a series of Arthurian romances from prison? The correct answer as per my understanding is option number C, Thomas Mallory. Thomas Mallory who was an English writer in 15th century. Next question, in Sir Gavin and the Green Knight, Gavin engages in a swamp game with his host and accordingly, Gavin receives three kisses and an enchanted belt from his host's wife. Out of these, what does he return to the host? From what he received, the correct answer, as per my understanding, is three kisses. Option number B. Next question: Which is the dialect from which modern English is considered to have evolved? The correct answer is option number A the east midland dialects of middle english, which extended over a much larger area as far south as middlesex, is the producer or precursor of modern english that we speak today. next question. who among the following accused john donne of perplexing the mind of fair sex with nice speculations of philosophy? The correct answer is option number A John Dryden. John Donne was much to blame, according to John Dryden, uh, because he affects, according to him, he affects the metaphysics not only in his satires but in his verses, and where nature only should reign and perplexes the mind of the fair sex with nice speculations of philosophy. Next question. Name the Indian novel that describes the change of its protagonist Raju from a humdrum tour escort to a renowned holy guru. The correct answer is The Guide. Raju Guide is the name of that character whom we are talking about. Guide 1958 ka ek novel hai written by the indian author R.K. Narayan, like most of his work uh, this novel is also based in malgudi the fictional town in south india and the novel brought R.K. Narayan the 1960 sahitya academy award for english by the sahitya academy or he first award the Joki sahitya academy itaraf ki provide kiya *The Guide*. So, that can also be a question for you Next question is about a poem by Andrew Marvel, the great metaphysical poet. Had we but world enough in time, this is lady were no crime, but at my back I always hear time's winged chariot hurrying near. What is the category of the typical philosophical outlook that the above lines present? The correct answer is option number C Carpe Diem. Carpe Diem ka matlab hota hai, Live life fully. The term Carpe Diem means seize the day or. Uh,

Next question is about Shakespeare. Name the Shakespeare play that has been adapted for the 1999 film 10 Things I Hate About You. The correct answer is option number D The Taming of the Shrew. 10 things i hate about you is a 1999 american romantic comedy movie and uh, it is the modernization basically of william shakespeare's late 16th century comedy the taming of the shrew which is uh, retold basically in the late 1990s american high school setting so as i told we have reached to the end of part 1 of this video i'll soon come with the part 2 Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams. You can contact us to join our online classes. The contact details are given in the description.